राजस्थान में सर्दी के दस्तक देने के बाद अब धीरे धीरे उनके तेवर तीखे होने लगे हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में आज सुबह 2.4 डिग्री को पारा छू गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अन्य कई इलाकों में भी पारा सामान्य से कम होने लगा है। ऐसे में गुरुवार से राजस्थान के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन में मावठ पड़ने के आसार है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण अगले 24 घंटे में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पारा सामान्य से 2-3 डिग्री कम बना हुआ है। आलम यह है कि मंगलवार रात सीकर में तापमापी पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद में बुधवार को सुबह फतेहपुर में यह 2.8 डिग्री पर आ गया। वह गुरुवार को सुबह 2.4 डिग्री पर आ टिका है। वहीं मंगलवार रात की बात की जाए तो चूरू में तापमान 6.5, भीलवाड़ा में 7.2, चित्तौड़ के अंदर 7.6, हनुमानगढ़ में 7.7 और पिलानी के अंदर 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पारे में लगातार हो रही गिरावट के बाद अब लोगों ने गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। सर्दी के बीच अब बारिश के भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।